नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका काम की बात में। और आज हम आपको बताने वाले हैं सुप्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टीफन विलियम हॉकिंग एक विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक, ब्रह्मांड वैज्ञानिक, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निर्देशक थे। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड में दूसरे विश्व युद्ध के समय फ्रैंक और इजाबेल हॉकिंग के घर में हुआ। गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 साल बाद हॉकिंग का जन्म हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहाल होने के बावजूद माता पिता दोनों की शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई, जहाँ उनके पिता फ्रैंक ने दवाइयों की शिक्षा प्राप्त की और उनकी माँ इजाबेल ने दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। बेहद दिलचस्प बात यह है कि स्टीफन गणित विषय में अपना अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें मेडिकल से जुड़ने की सलाह दी। यूनिवर्सिटी कॉलेज में गणित विषय उपलब्ध नहीं था, ऐसे में उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को चुना और 3 साल बाद उन्हें नेचुरल साइंस में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री मिली। 1963 में स्टीफन हॉकिंग जब सिर्फ 21 साल के थे तब उन्हें एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी हो गई। इसके चलते उनके अधिकतर अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। इस बीमारी से पीड़ित लोग आमतौर पर 2 से 5 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग दशकों तक जिए। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने 1965 में प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्सिस पर अपनी पीएचडी पूरी की थी। बीमार होने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और तमाम चौंकाने वाले शोध दुनिया के सामने रखते गए। स्टीफन हॉकिंग एक कस्टम इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर चलते थे और दूसरों से बात करने के लिए वह एक विशेष आवाज मॉड्यूल का इस्तेमाल करते थे। 1988 में उन्हें सबसे ज्यादा चर्चा मिली थी जब उनकी पहली पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल्स मार्केट में आई। इसके बाद कॉस्मोलॉजी पर आई उनकी पुस्तक की 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी थी। इसे दुनिया भर में साइंस से जुड़ी सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक माना जाता है। अपनी सफलता का राज बताते हुए मशहूर वैज्ञानिक हॉकिंग ने कहा था कि उनकी बीमारी ने उन्हें वैज्ञानिक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। बीमारी से पहले वह अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन बीमारी के दौरान उन्हें लगने लगा कि वह लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेंगे, तो उन्होंने अपना सारा ध्यान रिसर्च पर लगा दिया। वह हमेशा लेक्चर के दौरान कहा करते थे कि इंसान को हमेशा सितारों की तरफ देखना चाहिए, ना कि अपने पैरों की ओर। सितारे आपको आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। वहीं वह यह भी कहा करते थे कि जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता, बल्कि काम ही आपको जीने का मकसद देता है। अगर किसी आदमी की जिंदगी में काम नहीं होता तो उसकी जिंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं होता। 1914 में स्टीफन हॉकिंग की प्रेरक जिंदगी पर आधारित फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग रिलीज हुई थी। 14 मार्च 2018 को हॉकिंग के पुत्र लकी, रॉबर्ट और टिम ने कहा कि हमें अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे प्यारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह एक महान वैज्ञानिक तो थे ही, एक महान इंसान भी थे, जिसने विज्ञान की दुनिया में इतना काम किया कि जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। उनकी हिम्मत, खोज और खुशमिजाजी से पूरी दुनिया प्रभावित रहेगी। तो दोस्तों, ये थे स्टीफन हॉकिंग। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.